रक्त संबंध, मतलब कि जो हम लोगों का खून का रिश्ता जिससे है, जैसे कि सपोज आपके पिताजी का आपके साथ, या आपकी माता का आपके साथ, आपके भाई का आपके साथ, तो ये सारा आपका ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, एक परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध में आपका क्या आता है, जैसे पिताजी का हो गया तो फादर हो गया, सपोज मदर हो गई, सिस्टर है, ब्रदर है, ये आपके रक्त संबंध में, मीन्स ब्लड रिलेशन इनके साथ है। इसके अलावा आपका जैसे कि जो होता है नीस हो गया, नेफ्यू हो गया, या फिर अंकल हो गया, आंट हो गया, ये सारे आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ब्लड रिलेशन में करना क्या है, जैसे ये जितने भी रिलेशंस है तो इन रिलेशंस को हम लोग एक सिंबॉल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, जो कि हमारे एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग फ्रेम करते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो उसको सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है वो कुछ सिंबॉल्स से हम लोग बताते हैं, ठीक है। वो सिंबॉल्स हमारा क्या जाएगा, सिंबॉल्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिंबॉल्स जानेंगे कि हम लोग कैसे सिंबॉल्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहला जो सिंबॉल हमारा है ये हम लोग का ये सिंबॉल है। ये सिंबल हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं क्योंकि लिखने में स्पेस कम हो रहा है थोड़ा। सिंबल, पहला सिंबल जो है हमारा ये है, ये हम लोग किस चीज के लिए डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है मैरिड कपल्स के लिए ये सिंबल्स यूज करते हैं। मैरिड कपल्स, मैरिड कपल्स मतलब क्या हुआ, जो शादीशुदा जोड़ा होता है, ठीक है, शादीशुदा जो जोड़ा है, जैसे आपके पापा मम्मी हुए, आपके दीदी जीजा जी, तो ये शादीशुदा जो जोड़ा है उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो सिंबल है हमारा दूसरा सिंबल है ये सिंबल हमारा सिबलिंग्स का होता है। जैसे आपका सिबलिंग्स क्या होगा, आपकी कोई बहन है या आपके कोई भाई है, तो वो जो है हमारा सिबलिंग्स बताता है, आपका जिनसे खून का रिश्ता है, जैसे आपके भाई बहन जो भी हो गए वो हमारा सिबलिंग्स है, ठीक है। तीसरा सिंबल है हम लोग एक स्क्वायर यूज करते हैं। ये स्क्वायर किस चीज में होता है, जो हम लोग मेल मेंबर्स को दिखाएंगे, जो पुरुष को हम लोग दिखाते हैं कि हाँ ये पुरुष बनाए हैं, तो वो हम लोग इस सिंबल से बताते हैं, जो कि एक स्क्वायर होता है, ठीक है। सर्कल से हम लोग फीमेल को बताते हैं, इस महिला को हम लोग सर्कल से बताएंगे, ये कुछ हमारा होता है सिंबल, ठीक है। इन सिंबल से हम लोग ये जो स्क्वायर बना है इसको आप ट्राइंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज से उसको दिखा रहे हैं, ये आपके समझने के लिए होता है कि आप उस सिंबल को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सिंबल को यूज किए हैं वो किस चीज के लिए यूज किए हैं, वो आप मेल मेंबर के लिए यूज किए हैं, फीमेल मेंबर के लिए यूज किए हैं, सिबलिंग्स के लिए यूज किए हैं, मैरिड कपल्स के लिए यूज किए, किनके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है मेल फीमेल, ये सारा इस तरह से हम लोग बताते हैं सिंबल से, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जैसे कि आपको बोला गया है ए इज मैरिड टू बी, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ए इज मैरिड टू बी, ठीक है। इसमें एक और लाइन लिख देती हूँ, ए इज अ मेल मेंबर, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए इज मैरिड टू बी वेयर ए इज अ मेल मेंबर, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला, ए इज मैरिड टू बी, ए बी से शादी कर रहा है और ए के बारे में बोला जा रहा है कि ए एक मेल मेंबर है, मीन्स पुरुष है, तो मैरिड कपल को हम लोग किस सिंबल से दिखाए थे, मैरिड कपल्स को हम लोग इस सिंबल से दिखा रहे थे, फर्स्ट वाला सिंबल मैरिड कपल के लिए। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग वही सिंबल को यूज किए हैं, मैरिड कपल जहां भी आ गया तो हम लोग ये सिंबल यूज कर दिए, ठीक है। अब ए इज मैरिड टू बी, तो हम लोग ए इज मैरिड टू बी, ए बी से शादी किया तो ये एक शादीशुदा जोड़ा है, तो ए इज मैरिड टू बी इसको बना दिए। और दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, वेयर ए इज अ मेल मेंबर, ए एक मेल मेंबर है, मींस ए को हम लोग सपोज ट्राइंगल से बता रहे हैं, ठीक है।
अब ए अगर मेल मेंबर है तो एक शादीशुदा जोड़ी में क्या होता है, एक पुरुष होगा एक महिला होगी। तो जब पुरुष के बारे में हमें पता चल गया कि एक ए पुरुष है हमारा, तो बी ऑब्वियस है कि वो महिला होगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा एक मैरिड कपल बन गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन आगे ऐड करती हूँ, ही इज सन ऑफ बी, सी इज सन ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है, सी बी का बेटा है। अब सी बी का बेटा है तो मींस ये जो हम लोग सिंबल बनाएंगे, अब ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मींस इन दोनों का बेटा है। बी का जैसे बोला गया सी सन है, तो सन हम लोग इस तरह से जैसे दिखाते हैं, जो भी ये हमारा होता है ना कि फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, तीन जनरेशन हम लोग दिखाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये हम लोग दिखाते हैं जनरेशन, तीन जनरेशन है, ये चार जनरेशन भी हो सकता है। ये जनरेशन क्या है, एक होता है जैसे आपके पिताजी, आपका जनरेशन एक हो गया, ठीक है, आप बीच के जनरेशन में, सेकंड में। आपसे ऊपर जो है आपके दादाजी का जो जनरेशन है वो हो गया, फर्स्ट जनरेशन में चला गया। आपके बाद का जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इस तरह से अब मान लीजिए कि आपका जैसे परदादा जो हुए, आपके दादाजी के भी पिता जो, तो ये चौथा जनरेशन में चला गया। तो इस तरह से चार जनरेशन होता है, ठीक है। तो चार जनरेशन बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा क्वेश्चन, तीन जनरेशन तक ही क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो तीन जनरेशन में हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसा ये तो मैंने एक ड्रॉ किया, ए बी एक शादीशुदा जोड़ा है, मैरिड कपल। अब सी सन है बी का, तो सी सन है बी का इस तरह से हमने बनाया, सी बी का सन है। अब इसी में क्वेश्चन अगर आगे ऐड कर दिया जाए, सी सन ऑफ बी एंड एंड ब्रदर ऑफ डी, अगर मैं ये ऐड कर देती हूँ, तो सी डी का बेटा है और डी का भाई है, तो डी का भाई है मीन्स कहाँ बनेगा, सी के जनरेशन में ही बनेगा, डी का भाई है सी। अब मुझे ये बताइए, डी के बारे में मुझे दिया गया है कि वो मेल है या फीमेल है, सी इज सन ऑफ बी, सी बी का बेटा है एंड ब्रदर ऑफ डी, ये किसके बारे बोला गया है, सी के बारे बोला गया, सी बी का बेटा है और डी का भाई है, तो डी का भाई है सी के बारे में, ये आपको बोला गया। डी क्या है, ब्रदर है या सिस्टर है, ये मेल फीमेल इसके बारे कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी साइन नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मालूम नहीं है कि वो हो सकता है वो मेल भी रहे फीमेल भी रहे। तो इसलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अब आपको पूछा जाए कि डी का ए से क्या रिलेशन है, तो आप क्या करोगे, डी का ए से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें डी का ए से पूछा जा रहा है, तो या तो ये सन होगा या डॉक्टर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सन डॉक्टर एक साथ दिया गया ऑप्शन में फ्लैश करके, इस तरह से अगर आपको दे दिया जाता है सन डॉक्टर, इस तरह से अगर ऑप्शन दिया जाता है, तब तो आप इसे टिक कर देंगे। अगर सपोज आपको दे दिया जाए niece, nephew, son, daughter, cannot be determined, ये पहला ऑप्शन हटाकर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अब आपको ऑप्शन जो दिया जा रहा है, niece, nephew है, son है, daughter है, या cannot be determined, cannot be determined होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको इसका मालूम नहीं है कि वो बेटा है या बेटी है, ठीक है। इसलिए हमें इस केस में जब ये केवल ऑप्शन रहे तो ये टिक करना होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लियर है। अब यहाँ के बाद से देखिए क्वेश्चन, मैं इसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ए यहाँ पे बना लिए, बी का भाई है, ए बी का भाई है मीन्स ए मेल है। अब बी का भाई है, तो भाई मतलब क्या हुआ, ये आपका जनरेशन का बात हो रहा है, ठीक है, आपके भाई बहन का बात हो रहा है। तो भाई बहन का जब बात हो रहा है तो हम लोग उसको किस सिंबल से दिखाते हैं, तो ये जो सिंबल रहता है वो इस सिंबल से दिखाते हैं। जैसे आपके साथ जो भी आपके भाई का, आपकी बहन का
जो रिश्ता दिखाना रहेगा यहाँ, जो संबंध बताना रहेगा, वो इस सिंबल से बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सिंबल लगाएं, ये बी का भाई है। अब बी यहाँ पे बना दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी का भाई है तो ए तो हमें मालूम है कि पुरुष है, और बी के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ए बी का भाई है, ठीक है, एक बार वापस से क्वेश्चन देख रहे हैं। ए बी का भाई है और सी का पिता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग तोड़ तोड़ कर देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तोड़ कर कैसे देखेंगे, यहां से हम लोग यहां तक पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, मतलब ए हमारा क्या है, पुरुष है। ए हमने बनाया, ए बना दिया, ए पुरुष है बोला जा रहा है, भाई है तो पुरुष ही होगा, पुरुष बना दिए। किसका भाई है, बी का भाई है, तो इस सिंबल से दिखाएंगे बी का भाई है। अब यहां तक क्वेश्चन में हमें ये नहीं मालूम है कि बी पुरुष है या महिला है। ठीक है, तो यहां तक तो ए का मालूम है, बी का नहीं मालूम है। यहां तक एक लाइन हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन का। अब दूसरा लाइन, और सी का पिता है, यहां पे भी ये और शब्द लग गया। ठीक है, ये और शब्द किसके लिए रहता है, हमेशा इसके लिए रहेगा। ठीक है, जहां पे भी और शब्द लगा वो पहला व्यक्ति के लिए यूज होता है, पहला व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा और हमेशा इसके लिए रहेगा, जो पहला व्यक्ति है। यहाँ पे पहला व्यक्ति ए था, ठीक है, ए बी का भाई था और सी का पिता है। अब ए बी का भाई है और कौन पिता है, ए पिता है सी का। तो ए मान लीजिए कि कोई शादी किया होगा तभी ना पिता है ये, तो इसलिए हम इसको ये सिंबल दे दिए। ठीक है, अब ए के बारे में मालूम है कि वो पिता है, किसी से शादी हुआ होगा, कोई होगी महिला जिसके बारे में एक गोल बना दिया, हम लोग को मालूम नहीं है कि वो कौन है महिला। ठीक है, अब सी के बारे में बोला गया है कि सी का पिता है, सी का पिता ए है। अब यहाँ पे हमारा जो व्यक्ति है, दो व्यक्ति ऐसा है जिनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, वो पुरुष है या महिला है। कौन, बी के बारे में नहीं मालूम है, सी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अब हमें ये पूछा जा रहा है बी ए का कौन लग रहा है, बी ए का कौन लग रहा है, बी का ए से क्या रिश्ता है, भाई या बहन होगा। अगर ऑप्शन सेम उसी तरह से, मान लीजिए अगर आपको भाई बहन दो ऑप्शन में दिया जा रहा है, जैसे कि ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, भाई बहन माता पिता, ये पांच ऑप्शंस दिए हैं मैंने, भाई बहन माता पिता इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हमारा फिफ्थ हुआ। कैसे बनाए हम लोग, समझ में आया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम एक एड ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक लाइन हमने जोड़ा, ए का इकलौता बच्चा सी है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें पुरुष या महिला का कुछ पता चला, नहीं पता चला। कैसे, ए का इकलौता बच्चा, इससे ये तो पता चल गया कि ए का और कोई बच्चा नहीं है, केवल एक ही है, सी है। लेकिन सी हमें यहाँ पे ये नहीं पता चला कि वो पुरुष है या महिला है। अगर मान लीजिए एक और लाइन हम जैसे ऐड करते हैं, ए का इकलौता बच्चा सी है तथा सी पुरुष है, ठीक है, मैंने ये लाइन ऐड किया, इससे तो आपको सीधा सीधा ये मालूम चल रहा है कि सी पुरुष है। अब सी पुरुष है, अब मान लीजिए हमें ये पूछा जा रहा है कि सी का रिश्ता बी के साथ क्या है, सी का रिश्ता बी के साथ क्या है, क्वेश्चन सुनिए, समझ में आया, क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर पता चल गया, ठीक है, उसका लिंग पता चला कि ये सी पुरुष है या महिला है, तो इससे हमें बी के साथ इसका रिश्ता तो पता चल गया। लेकिन अगर मान लीजिए हम ये देखते हैं कि बी हमें, अगर मान लीजिए ये पूछा जा रहा है कि बी का सी के साथ क्या रिश्ता है, तब क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मीन्स इसका आंसर हम बता नहीं सकते,
कि क्या होगा, अभी पुरुष है या महिला है हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन शब्द जो है ये हमें किस पर्सन के लिए, किस व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, ए बी का भाई है लेकिन डी का पिता है। ठीक है, दूसरा लाइन है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। दोनों क्वेश्चन में मेरा डिफरेंस क्या है? पहला में लेकिन लगा हुआ है, दूसरा में और लगा हुआ है। इस लेकिन और का मतलब क्या होता है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है लेकिन डी का पिता है, तो डी यहां पे आया। लेकिन किसके बारे बोला गया? ए के बारे में लेकिन बोला गया। किस पर्सन के लिए, किस व्यक्ति के लिए यूज हुआ? पहला व्यक्ति के लिए। यहां पे पहला व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है? ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का भाई है और शब्द भी आपका पहले के लिए ही यूज होगा। समझ में आया? अब एक चीज और इसी स्टेटमेंट में, एक चीज और देखिए, ए बी का भाई है ए बी का भाई है, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है, एक स्टेटमेंट है। किसके बारे बोला गया? बी, ए बी का भाई है। सेम स्टेटमेंट उसी तरह से जा रहा है, ए बी का भाई है कॉमा सी का पिता है। कॉमा का मतलब क्या होता है? पहले वाले के लिए ही यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में केवल कंफ्यूज करने के लिए कॉमा और लेकिन डालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया?